Hey guys, welcome back to Brainheaters. This is Earth over here. तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक कहानी एक ऐसे लड़के की जो आपकी तरह ऑर्डिनरी इंजीनियर था, पर उसने अपनी 4 साल की जर्नी कैसे चैनलाइज की और एंड में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बना. ठीक है, तो ये कहानी एक नॉर्मल इंजीनियर जैसे आप आते हो इंजीनियरिंग में, आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, फर्स्ट ईयर में आपने पूरा सिस्टम समझा, उसने भी पूरा सिस्टम समझा अच्छी तरीके से, उसने देखा कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है इंजीनियरिंग में. उसकी ब्रांच कंप्यूटर्स थी, तो उसने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया कंप्यूटर्स के अंदर, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. तो ये सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करते करते उसका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया. तो उसने डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें के बारे में अच्छे से रिसर्च किया. फिर जैसे ही उसका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, उसे उसका प्यार मिल गया, तो जो था एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और जावा. तो उसने उस प्यार को अच्छी तरीके से पाला. तो उसने पहले जावा के बारे में अच्छे से सब सीखा, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में सब अच्छे से सीखा, और सब अच्छी तरीके से नॉलेज लेके वो उसके अंदर घुस गया. फिर उसने छोटी छोटी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई की, उसमें छोटी छोटी इंटर्नशिप्स में एक्सेल किया, अच्छी तरीके से इंटर्नशिप्स कंप्लीट की, फिर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने लगा. फिर थर्ड ईयर में आया वो, तो थर्ड ईयर में आया तो एक नॉर्मल इंजीनियर ही था आपके और मेरी तरह. ठीक है, तो तब डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई इंटर्नशिप्स के लिए. तो उसे भी बहुत टेंशन आया कि क्या मैं इंटर्नशिप्स कर पाऊँगा, क्या मेरे पास नेसेसरी स्किल्स है या फिर मेरे पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं है. अगर मुझे इंटर्नशिप मिली तो मैं कैसे ये सब टेक्नोलॉजी सीखूँगा. पर उसने एक डिफरेंट चीज़ की जो हम और उसमें एक अलग डिफरेंशिएट कर दी. उसने क्या किया कि उसने पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब की रादर देन थिंकिंग कि क्या होगा. उसने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. फिर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, उसने सब राउंड्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए और उसे इंटर्नशिप मिल गई. ठीक है गाइज, उसे इंटर्नशिप मिल गई. अब ये इंटर्नशिप कौन से कंपनी में थी गाइज, आपको पता है? उसको बार्कलेस में इंटर्नशिप मिली. ठीक है गाइज, बार्कलेस जो फुटबॉल प्रीमियर लीग का जो टाइटल स्पॉन्सर होता था वो कंपनी में. तो ये चीज़ जो डिफरेंशिएट की उसको और हमें, उसमें सिर्फ थोड़े ही चेंजेस थे कि उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, थोड़ा लक फैक्टर था, हमारा भी लक फैक्टर रहता है, पर उसका लक फैक्टर और एक फैक्टर काम आया जो मैं आपको ये स्टोरी में अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ. तो उसने फिर बार्कलेस के इंटर्नशिप में अच्छी तरीके से परफॉर्म किया. तो जैसे ही उसको इंटर्नशिप्स मिली, उसने अपना काम उधर रोका नहीं. ये पॉइंट के बाद उसने अपनी एफर्ट्स 200% कर दी और उसने जो भी टास्क उसको इंटर्नशिप्स में मिलते थे उसको क्वाड्रपल कर दिया. फिर वो एफर्ट्स के वजह से कंपनी वाले खुश हुए और उसको गाइस PPO मिल गया, मतलब कि प्री प्लेसमेंट ऑफर. तो उसके पास थर्ड ईयर एंड में जॉब उसके हाथ में थी. तो ये थी सक्सेस स्टोरी आदित्य भावे की, जो एक SPIT सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, जो मेरा क्लासमेट है. तो इसके और हमारे में थोड़े डिफरेंस है जो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ उसने की जिसके वजह से उसको ये इंटर्नशिप्स और ये PPO मिला. सो तीन चीज़ मैंने बना के रखे हुए. फर्स्ट चीज़ जो है वो है डेडिकेशन एंड पैशन. तो जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू. तो इस बंदे ने जो फर्स्ट ईयर में और जो सेकेंड ईयर में अपना लव फाइंड आउट किया कि जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट था, उसने उसके अंदर पूरी अपनी दिलो जान से मेहनत की, उसको पैशन से, उसको प्यार करके उसने अच्छी तरीके से उससे पढ़ा, जिसके वजह से वो एक्सेल कर पाया. फिर जो सेकेंड चीज़ थी वो था फोकस. तो जैसे कि ब्रूसली ने कहा है, अ सक्सेसफुल वॉरियर इज एन एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस. तो उसका भी फोकस प्रिटी श्योर था कि मुझे ऐप डेवलपमेंट, मुझे जावा, मुझे कोई अच्छी कंपनी में प्लेस होना है. तो वो हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट से अलग हो गया क्योंकि उसका लेजर लाइक फोकस था. और जो थर्ड चीज़ थी वो थी उसकी प्रिसाइज गोल्स. ठीक है, तो प्रिसाइज गोल्स के ऊपर एक फेमस कोट है कि बी स्टबर्न अबाउट योर गोल्स बट फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स. तो उसका जो गोल्स थे वो स्टबन थे कि मुझे ऐप डेवलपमेंट में एक्सेल करना, मुझे बेस्ट बनना है,
और ये चीज़ उसने सिर्फ उसके प्रोफेशनल लाइफ पे भी नहीं, उसके पर्सनल लाइफ पे भी उसने अप्लाई की। जैसे कि उसका वेट 120 केजीज था एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, और उसने एकदम डिटर्मिनेंट होकर एक गोल बनाया कि उसे वेट रिड्यूस करना है, और विद इन एन ईयर वो 120 केजीज से सीधा 80 केजीज पे आया। तो उसके जो प्रिसाइज गोल्स, फोकस और डिटर्मिनेशन था वो उसके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, सिर्फ उसके करियर के रिलेटेड नहीं। तो फिर जब मैंने आदित्य भावे से बात की तो मैंने बहुत सारे फीडबैक्स लिए और बहुत सारी चीज़ें जानी उससे। तो जब मैंने उससे पूछा ना, उसने मुझे सिर्फ एक लाइन कही कि उसने कभी भी एम नहीं किया था कि क्लास के टॉप 2 या टॉप 3 या टॉप 4 रैंकर्स में आए। उसने ये एम किया था कि मैं एवरेज स्टूडेंट रहूँ, क्योंकि उसको फिर जो टाइम मिलेगा वो टाइम अपने स्किल्स डेवलप करने में यूज़ करें। तो ये फेमस कोट वन प्लस के CEO ने भी बोली हुई है। तो उसको ये चीज़ अचीव करने के लिए ब्रेनईटर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि हमारा जो स्मार्टर स्टडी पैटर्न है उसने वो फॉलो किया, और उसने अच्छी तरीके से स्मार्टर स्टडीज़ यूज़ करके अपना टाइम बचा के जो रेस्ट ऑफ द टाइम था वो उसने अपने स्किल्स डेवलप में करने के पीछे लगा दिया। सो ब्रेनईटर्स का भी यही विजन है कि आप लोग स्मार्टर स्टडीज़ करो और जो टाइम बचे वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में लगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी डाउट्स है तो गाइस, ये एंटायर प्रोसेस में आदित्य भावी टीम ब्रेनईटर्स के साथ कनेक्टेड था। सो मैंने एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है उसकी पूरी जर्नी। तो या तो वो हो स्मार्टर स्टडीज़, या फिर वो हो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हम हमारे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करते हैं, ये एंटायर प्रोसेस में आदित्य भावे ब्रेन हीटर्स के साथ कनेक्टेड था, जिसने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ये सब अचीव करने के लिए। सो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्रेन हीटर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ हम लोग रेगुलरली इंटरव्यू क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपके प्रिपरेशन के लिए, जो आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाएंगे। फिर जो सेकेंड चीज़ है वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टोरी ला रहा हूँ, ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ एक लड़के की जो हमारे से भी, मतलब कि एकदम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एकदम चिल था, पर फिर भी उसने लास्ट 2 ईयर्स में मेहनत करके एक ऐसे सक्सेसफुल कंपनी में जॉब हासिल किया जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इन डिटेल में कि ये इंटरव्यू प्रोसेसेस कैसे होती है, क्या होता है सब चीज़ें, उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से कंपनीज़ के बारे में जानना है, कि कैसे उधर प्लेसमेंट्स होती है, फिर आपको कौन से स्टोरीज़ चाहिए। तो अगर आप हमें ये सब चीज़ों में हेल्प करोगे सो वी कैन गेट मोर कंटेंट फॉर यू। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।